दस बंदू को खाना खिलाना। दादा दादा ये लो खाना है, अच्छा खाना है ये लो। गाइस अब हम जा रहे हैं आगे कंटिन्यू टारगेट ढूंढने के लिए। टोकरी में यहाँ पे पहले से भी काफी ज्यादा सामान है, इसी में रखा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? गाइस मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। गाइस लेके आया मैं फिर से आपके लिए यूनिक सा चैलेंज। चैलेंज मेरे सब्सक्राइबर की ओर मिला है, चैलेंज काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। गाइस आज हमने 10 बंदों को क्या खाना खिलाना है, और सबसे पहले मेरी तरफ से मेरी ऑडियंस को हैप्पी न्यू ईयर यार। और गाइस चैलेंज आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जिस सब्सक्राइबर ने मुझे चैलेंज दिया है, और आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम, जाके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। सो फाइनली गाइज आज के व्लॉग में ना हमारे साथ है शोएब भाई और यावर भाई, कश्मीर के हैं दोनों। और गाइज ये चेक कर रहे हैं लुकिया, थोड़ा बहुत चेंज किया, बाल छाल कटवाए हैं यार। पहले हम निकलेंगे रूम से, इस जगह पे मेरा रूम है, और जाना है हमने मार्केट वाली साइड, और 10 बंदों को क्या गाइज खाना खिलाना है। गाइज हम मार्केट के अंदर एंटर हो चुके हैं, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, वहां पे मिलेगा हमें कुलचे वाला, जहाँ पे कुलचा पैक कराएंगे 10 बंदों के लिए। और गाइज जब तक ये मेरा चैलेंज कर रहा है, तब तक के लिए आपको मेरी पसंद है। जो अपना चैलेंज का जो पार्ट है ना, खाना खिलाना, तो हम यहीं से पैक करा रहे हैं 10 बंदों के लिए खाना। तो कितना टाइम लगेगा भैया? 10 मिनट। और 10 मिनट के अंदर हमारा जो सिस्टम सारा रेडी हो जाएगा, 10 लिफाफे आएंगे जिनमें खाना होगा। और शेव भाई और यावर भाई हम कहाँ जाएंगे, फिर बांटेंगे लोगों को यार। लव यू मेरी जान, तब तक के लिए शेव भाई की ठंड की कसम है आपसे। गाइस ये देखो कुछ सामान हमारा पैक हो रहा है, जिसमें कि मूली है, गाजर है, और आचार डाल रहा है। 10 पैकेट ये भी हो जाएंगे पैक। पुड़िया है, पुड़िया भाई बना रहा है। लव यू मेरी जान भाई की ठंड की कसम है। पुड़िया देखो भाई कैसे बना रहा है यार, ओ माय गॉड। तो फाइनली गाइज अपना सारा सामान जो है ना रेडी हो चुका है, 9 लिफाफे और ये 10 लिफाफे हो गए। थैंक यू ब्रदर, लव यू मेरी जान। हमारा सामान बिल्कुल रेडी हो चुका है, कुछ मेरे पास लिफाफे, कुछ शेह भाई के पास लिफाफे हैं। अब हमने टारगेट को ढूंढना है कि ये किनको देंगे हम खाने के लिए। तो पहले हम टारगेट ढूंढेंगे और कैमरा मैन यावर भाई के साथ। फाइनली गाइज ना हम रेलवे स्टेशन के अंदर आए थे, और हमें पहला टारगेट मिल चुके हैं यार ना, जिनको हम खाना दे देंगे यार, जो हमारे चैलेंज का हिस्सा रहेगा। दादा ये खाना है इसमें, जरूरी चाहिए, खाओ आप आराम से, ठीक है। और गाइस हम भी अंदर जाएंगे, 10 रुपए दे दे, मैं चाय पी लूंगा। 10 रुपए नहीं है दादा, जो थे उसका हमने चैलेंज के लिए सामान लाया, बल्कि खाना है हमारे पास। 10 बंदों को देना है, 1 बंदे को दे दिया, अभी भी 9 बंदों को देना है। गाइस पहले हम रेलवे स्टेशन के अंदर जाएंगे। गाइस दूसरे टारगेट जो है इस साइड है, यहाँ पे इनके हाथ में बोरी है यार, और मुझे सो फील हो रहा है क्योंकि ठंड में यार बोरी में क्या लेके, कबाड़ा, आई थिंक शायद कबाड़ा का काम करते हैं। लेकिन हमारा जो काम है गाइज, हमारा काम है चैलेंज आज, 10 बंदू को खाना खिलाना। दादा दादा ये लो खाना है इसमें, खाना मैं खाया बादशाह, खा लो मैं रख देना, मुड़ के खाऊंगा, खा लो। और गाइज हमें अब तीसरा टारगेट ढूंढना है, क्या लगता है गाइज तीसरा टारगेट कौन होगा? कोई आइडिया नहीं हमें, जब तक हमें मालूम चलेगा और आपको मालूम चलेगा, तब तक के लिए आपको मेरी टिंड की कसम है। गाइज आई थिंक मुझे लग रहा है चौथा टारगेट जो है ना हमारा वहां पे है, क्योंकि मैंने सुना यहाँ पे लेडीज रहती है एक ना रेलवे स्टेशन में, और ये कंपरेली सा घर बनाया है यार, घर भी दिखा देंगे इनका, और इनको हम खाना भी दे देंगे। लगता है मुझे यहाँ पे होगी ये नहीं, कोई आइडिया नहीं है अभी हमारे पास ये यहाँ पे है कि नहीं। जब तक गाइज आपको पता है मुझे चलेगा मालूम और आपको चलेगा मालूम, जो इस टेंट में उसकी टिंड की कसम है। फाइनली गाइज हम इनके घर के पास पहुंचे हैं, देखता हूँ मैं अंदर है कि नहीं, अंदर शायद आई थिंक कोई नहीं है, अंदर गाइज कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। लेकिन हम मैं सोच रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे खाना रखूंगा इनके लिए ना, कोई कुत्ता आएगा मुंह मारेगा, वो भी अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे, मे भी हो सकता है आएगी मत, तो उनको हम खाना दे देंगे, फिर हम गाइज 5वें टारगेट की ओर जाएंगे। गाइज काफी टाइम हमने वेट किया, तो चैलेंज का जो चौथा टारगेट था ना वो अभी तक नहीं आया, इसीलिए हम इनके लिए यहाँ पे रख रहे हैं टोकरी में। यहाँ पे पहले से भी काफी ज्यादा सामान है, इसी में रखा है। तो आपको पता है गाइज चैलेंज का हिस्सा था कि खाना लोगों को खिलाना था, यहाँ पे नहीं है ये, लेकिन हमने यहीं पे रखा है खाना। अब हम जा रहे हैं गाइज 5वें टारगेट की ओर। जैसे हम रेलवे स्टेशन के बाहर आए थे ना, रेलवे स्टेशन के बाहर एक दादा मिले हैं। दादाजी ये लो, ये हमारी तरफ से खा लो, ये छोला पूरी है, अच्छा खाना है ये लो। चाचा ने मना किया है गाइज, हम जा रहे हैं टारगेट ढूंढने के लिए यार। गाइज हम इनको भी सोच रहे हैं इनको भी देने के लिए। दादा ये हमारी तरफ से आज खाना है आपको, छोला पूरी है ये लो, खाना है, पकड़ो 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 अभी। और गाइज ये चेक करो, यहाँ पे हमने 2 पैकेट लिफाफे दे दिए इनको,
दोनों को ना दादा। और गाइस अब हम जा रहे हैं आगे कंटिन्यू टारगेट ढूंढने के लिए। नए साल की बधाई है सबके लिए। और गाइस आपको कैसा लग रहा है चैलेंज? और प्लीज रिक्वेस्ट है गाइस, चैलेंज दे दो, क्रेजी क्रेजी चैलेंजेस दे दो, ताकि मुझे मजा आएगा करने में और आपको देखने में मजा आएगा। फाइनली गाइस एक टारगेट हो रहा है दादा। ये लो नए साल की मुबारक के लिए खाना है। नया साल आया है, खाना है आपके लिए। और गाइस अभी भी हमारे पास चार टारगेट हो रहे हैं। यहाँ पे भाई बैठा है जो संतरे बेच रहा है और इनको हम खाना दे देंगे अभी। यार क्या लगता है गाइस, ये पकड़ेंगे कि नहीं? बड़े भाई ये नए साल की मुबारक के लिए खाना है, खाओ खाओ आप। और गाइस अभी भी तीन, और मुझे लग रहा है यहाँ पे जो फूल गोभी जो बेच रहा है ना, फूल गोभी उसके पास भी जाएंगे, देखते हैं गाइस वो हमारा ये पैकेट लेगा कि नहीं, कोई आइडिया नहीं है गाइस। और प्लीज गाइस रिक्वेस्ट है, चैलेंज करो और वीडियो को शेयर करो यार। और भाई को दे देंगे यार, ये खाना है, खाना नए साल के लिए मुबारक खाना है। मानता नहीं था किसको, तो ले बताता हूँ आपको। वहाँ गुरुद्वारे के पास है ना, जो माता बंदे बैठे बुजुर्ग बंदे, हेलो। और गाय जिन्होंने बोला है आगे जैसे बंदे बैठे हैं उनको दे दो, इन्होंने मना किया है पकड़ने से। हम गाय वहीं पे जा रहे हैं अब। सो फाइनली गाय हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे दादा। और गाय एक और लिफाफा है हमारे पास दादा, खाना है हमारी तरफ। ओ भाई गॉड गाइस, अभी तक हमने 9 बंदू को जो पैकेट है वो पहुंचाया, अभी हमारे पास सिर्फ एक पैकेट है और हमें भी भूख काफी ज्यादा लगी है। मेरा टारगेट था गाइस लोगों को खाना खिलाना, सेब भी मेरे लिए एक बंदा ही है और ये पैकेट जो है हम खुद खाने वाले हैं। और गाइस आपको चैलेंज कैसा लगा कमेंट करके जरूरी बताना। सो फाइनली गाइस जो लास्ट वाला लिफाफा है ना वो भी हम खोल रहे हैं शेब भाई के हाथ में। शेब भाई खाएगा, मैं भी टेस्ट करूंगा, देखते हैं गाइस। आपको पता पहले भी मैंने बोला है ना, छोला पूड़ी वो एक नंबर बनाता है अमृतसर वीरका के अंदर। काफी मजेदार छोला पूड़ी लोगों को दिया हमने। और गाइस आपको तो पता है आज फॉग कितना चल रहा है, धुंध यानी सर्दी का मौसम है, इसीलिए वीडियो ज्यादातर नहीं आ रही। आपको मैंने पहले भी बोल दिया था कि जब मैं मार्च में जाऊंगा घर वापस ना, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू वीडियो आएगी। यहाँ पे मैं काम भी कर रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आप तक कंटिन्यू अपडेट देने दूंगा। और सॉरी गाइस, नए साल की एक बार फिर से मुबारकबाद है। पहले हम खाना खाएंगे फिर उसके बाद रूम की ओर निकलेंगे यार। फाइनली गाइस चैलेंज कंप्लीट करके हम पहुंचे अपने रूम के पास। शेब भाई और यावर भाई को करता हूं मैं बाय बाय। यावर भाई का यूट्यूब चैनल भी है, यावर भाई क्या नाम है? ऑफिशियल यावर 01। ऑफिशियल यावर 00001। तो गाइस प्लीज एक बार सब्सक्राइब करना, भाई को सपोर्ट करना यार। और मैं भी अपने रूम के पास पहुंचने वाला हूँ। चैलेंज कैसा लगा कमेंट करना और प्लीज गाइस क्रेजी क्रेजी चैलेंजेस देना। सो फाइनली गाइस जो अपना जो चैलेंज है वो हो चुका है कंप्लीट। अभी मैंने कश्मीरी फेरन डाला है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को दबा के जाना और प्लीज गाइस गलती से सब्सक्राइब भी करना। मिलते एक नए चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय। खुदा हाफिज़, लव यू मेरी जान।